आज के टॉपिक का नाम है कैरेक्टर एरे। सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर एरे को ही हम कहेंगे स्ट्रिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे इंट का एरे है, फ्लोट या डबल का एरे है, उसी तरह ये कैर डेटा टाइप का एरे है। जैसे कि कैर नेम स्क्वायर ब्रैकेट में हमने कुछ तो साइज लिख लिया, 30 लिखा है यहाँ पे, यानी कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो इस टॉपिक में अलग वीडियो क्यों चाहिए, इसी बात को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा नेम होता है या सिटी का नेम होता है जिसमें हम मल्टीपल कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं, लेकिन नेम या सिटी में कितने कैरेक्टर्स है ये तो उस पर्सन का नाम या सिटी के नेम पे ही डिपेंड होगा। जैसे कि हमने अगर लिखा नेम जय तो इसमें 3 कैरेक्टर है, और अगर प्रथमेश नेम लिखा तो उसमें 9 कैरेक्टर्स है। दूसरा ये कि नेम के लिए अगर हम इनपुट कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर करके हम इनपुट नहीं करेंगे। अगर जय एंटर करना है तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जे एंटर किया, फिर ए एंटर किया, फिर वाई एंटर किया। हम जय को कंटिन्यूअसली साथ में ही एंटर कर लेंगे। अब अगर ऐसा है कि नेम के साइजेस अगर अलग अलग हैं तो हमें कितना साइज एरे के लिए डिक्लेयर करना है। अब सपोज हमें नेम के लिए करना है तो हम ये सोच लेंगे कि लॉन्गेस्ट नेम क्या है, जैसे कि वेंकटन रसिमा राजू वरिपेटा। मेरे ख्याल से ये सबसे लॉन्गेस्ट नेम है जिसमें 26 कैरेक्टर्स है। तो अब नेम के लिए एरे कुछ इस तरह से क्रिएट होगा जिसमें हमने साइज लिखा है 27, लेकिन लॉन्गेस्ट नेम में तो 26 ही कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे 27 क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए सी एक एडिशनल कैरेक्टर यूज करता है जो है /0 यानी के नल कैरेक्टर। ये कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू का एंड डिफाइन करेगा। जैसे कि यहाँ हमने अपना नाम स्टोर किया है जिसमें हमने सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिखा है और एंडिंग में लिखा है /0। उसी तरह हमने दूसरा भी नाम लिखा है ममता, जिसमें हमने सिंगल कैरेक्टर यूज किया है और लास्ट में लिखा है /0। तो यहाँ पे अपर्णा नाम में जितने कैरेक्टर्स हैं वो अलग है और ममता नाम में जितने कैरेक्टर्स हैं वो अलग है। जैसे कि अपर्णा में 6 कैरेक्टर्स हैं तो ममता में 5 कैरेक्टर्स हैं, और एंडिंग में /0 आएगा जिससे इस स्ट्रिंग का एंड पता चलेगा। अब इस नाम को डिस्प्ले करने के लिए हमें लिखना है, यहाँ %s फॉर्मेट स्पेसिफायर स्ट्रिंग के लिए होता है। यहाँ /0 यानी नल कैरेक्टर एंडिंग में स्टोर होने की वजह से कंपाइलर स्ट्रिंग का एंड समझ सकता है। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। यहाँ आप ये देख रहे हैं जो scanf स्टेटमेंट हमने लिखा है उसमें ampersand यानी एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं किया है, जैसे कि हम दूसरे डेटा टाइप के लिए जैसे int या float के लिए यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम नेम एंटर करने के लिए उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट नहीं करेंगे बल्कि कंटिन्यूएशन में इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एरे है उसी का नाम लिखा है, हर एलिमेंट का नाम हमने नहीं लिखा है। और जैसे कि हमें पता है एरे बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इनपुट के लिए हमें एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करना चाहिए। अब हम इसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले तो ये सोचना है कि एंटर किए हुए नेम को फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है। हमें ये पता है कि उसका लास्ट कैरेक्टर है /0 या नल, इसलिए हम कोड लिखेंगे। यहाँ हमने काउंटर यूज किया है i, जो फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि 0th इंडेक्स पोजिशन से नेम को रीड करना स्टार्ट करेगा और i को इंक्रीमेंट करते हुए आगे बढ़ेगा जब तक कि उसे एंड कैरेक्टर यानी कि /0 या नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। इस व्हाइल लूप के कंडीशन के हिसाब से जब नेम ऑफ i का वैल्यू /0 रीड होगा तो कंडीशन फॉल्स होने के वजह से ये लूप टर्मिनेट होगा।
हाँ, आप देख रहे हैं कि नेम के आगे जो ममता आ रहा है वो डबल कोट्स में है, वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर से उसे स्टोर नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ इनपुट स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं और जैसे कि हमने देखा था उसी तरह इस नेम को डबल कोट्स में वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में इस नेम का साइज लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कंपाइलर इसे उस नेम के हिसाब से ऑटोमेटिकली साइज देगा और एंड कैरेक्टर /0 भी अपेंड करेगा। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।